वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर अपॉइंटमेंट के लिए, तो मैंने सोचा इसका ब्लॉग बनाती हूँ बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट है, नया है। तो यहाँ पे मैंने डॉक्टर्स का यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि हेल्थ केयर फ्री है विच इज़ गुड, बट काफ़ी प्रॉब्लम है स्पेशली जब तक आपको फैमिली डॉक्टर नहीं मिलता। तो फैमिली डॉक्टर क्या होता है कि एक डॉक्टर आपको असाइन कर देते हैं, उसके बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उसे दिखाओ और वो फिर आपको बताएगा कि आपको किस डॉक्टर को जाना है, स्पेशलिस्ट, और फिर वो आपको इजीली देख लेगा तो प्रॉब्लम नहीं होती। बट क्योंकि अभी हम नए हैं और यहाँ पर फैमिली डॉक्टर मिलने में काफ़ी टाइम लगता है, सारे डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी जितने लोगों को वो देख सकते हैं वो ऑलरेडी भरे हुए होते हैं, तो अभी तक हमें फैमिली डॉक्टर नहीं मिला है। उसके लिए ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है और फिर जब भी किसी डॉक्टर पास वैकेंसी होती है तो वो मिलता है, तो वो भी हमें नहीं मिला है। तो अभी क्योंकि मुझे काफ़ी सालों से थायराइड की प्रॉब्लम है, मुझे उसके लिए टेस्ट कराना होता है और फिर मेडिसिन लेनी होती है। मैं इंडिया से कुछ मेडिसिन लेके आई थी बट वो ख़त्म हो चुकी हैं और 4-5 मंथ्स हो गए हैं, तो आई हैव टू डू द टेस्ट अगैन। तो उसके लिए एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट हम बुक कर सकते हैं फ्री डॉक्टर से, तो वो मैंने कराई थी जिससे डॉक्टर ने मेडिसिन फॉर द जब तक मैं टेस्ट नहीं कराती तब तक के, तो टेस्ट बता दिया है। तो टेस्ट के लिए हम जा रहे हैं लैब में, मुझे नहीं पता वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, वो फ्री होगा क्योंकि वो हेल्थ केयर इंश्योरेंस में ही आएगा, बट वहाँ पे देखो कितना टाइम लगता है। अब आज सैटरडे है, वीकडेज में हम नहीं जा सकते तो हम सैटरडे को जा रहे हैं। अब सैटरडे को यहाँ पे बहुत जल्दी बंद हो जाता है, 1 या 2 बजे, तो इसलिए हम काफ़ी जल्दी में जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑब्वियसली। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है टेस्ट और कितना टाइम लगता है यहाँ पे, कैसे होता है। मेडिसिन के लिए हम गए थे, तो मेडिसिन अगर आपके इंश्योरेंस में कवर्ड होगी तो ही आपको उसके पैसे मिलेंगे, नहीं तो मेडिसिन कि आपको पैसे देने पड़ते हैं। मेरा इंश्योरेंस है तो डिपेंडिंग ऑन हर इंश्योरेंस में मेडिसिन वगैरह पे को पेमेंट वगैरह होती है, अगर आपको सबकी डिटेल चाहिए होगी तो मैं बता दूंगी, बट उसमें कुछ पैसे आपको देने पड़ते हैं, कुछ इंश्योरेंस भी कवर हो जाते हैं, तो दैट इज़ मेडिसिन। बट वो मैंने अभी नहीं ली बिकॉज अगर मैं टेस्ट करा के एक साथ ही मेडिसिन लेना चाहती हूँ कि जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से, तो चलते हैं। तो हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, आज काफ़ी ठंड है, वैसे तो 8 डिग्रीज है बट आई डोंट नो, मतलब इट्स वेरी विंडी टुडे, काफ़ी ठंड है। और अब आपको सारे सूखे सूखे पेड़ दिखेंगे, अगर आपने पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें सब एकदम येलो एंड ब्यूटीफुल था, एंड नाउ सब जा चुका है टू बी प्रिपेयर्ड फॉर विंटर्स लाइक द डेडली विंटर्स। तो मैं अंदर जाके अपनी अपॉइंटमेंट, मतलब बेसिकली नॉट अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे हम आए, पहली बात तो यार ये फ्री है तो गवर्नमेंट के मतलब इट्स कम्प्लीटली फ्री, तो उस हिसाब से काफ़ी साफ़ सुथरा एंड वेरी वेल मैनेज्ड है, मतलब बहुत अच्छा है। मैं अगर अंदर कोई वीडियो ले पाई तो ज़रूर लूँगी, बट मैं वहाँ गई, मैंने अपना सिर्फ हेल्थ कार्ड दिखाया और उसके बाद डॉक्टर भी था जब मेरी वर्चुअल अपॉइंटमेंट हुई थी, तो मेरे को सिर्फ थायराइड है, वो थायराइड टेस्ट लिख सकता था, इंडिया में हम थायराइड टेस्ट ही कराते हैं, बट उसने 7-8 टेस्ट लिखते हैं, B12 का, विटामिन का, आई डोंट नो, आयरन का, बहुत सारे एंड सारे टेस्ट होंगे। और मैं अंदर गई और उसने बस सिंपली जाके मेरा हेल्थ कार्ड लिया और मुझे बोल दिया कोई पैसे नहीं कुछ नहीं, और अब 1 घंटे की वेट टाइम उसने बोली है बिकॉज ऑफ द रश, जितने लोग बैठे हैं मुझसे पहले, और उसके बाद सारे टेस्ट हो जाएंगे। तो मैं आगे का भी बताऊंगी कैसा रहा, कितना टाइम लगा और कैसे टेस्ट हुए। आई थिंक इट्स वेरी नाइस, स्पेशली अगर फ्री हो, इतने सारे टेस्ट आई थिंक यहाँ पे ना ये लोग प्रिवेंटिव केयर पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, मतलब अगर फैमिली डॉक्टर भी साइन हो जाता तो कुछ मंथली टेस्ट भी शेड्यूल हो जाते, और मतलब बेसिकली अब सारे टेस्ट टाइम से कराऊंगी तो आपको ऐसी बड़ी प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। इंडिया में पैसों की वजह से हम लोग काफ़ी सारे टेस्ट नहीं कराते हैं और ये सब चीज़ें नहीं होती, जो यहाँ की काफ़ी अच्छी है। हो गया है ऑलरेडी, मतलब सिर्फ 45-50 मिनट्स लगे, काफ़ी स्वीट था, सब कुछ मिल गया है और ये ब्लड टेस्ट, बट काफ़ी स्वीट डॉक्टर थे यार, मतलब सीरियसली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही स्मूथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पैसे नहीं लगे, बेस्ट पार्ट रिजल्ट्स चले जाएंगे 3 दिन बाद डॉक्टर के पास, तो आई थिंक एवरीथिंग वॉज रियली रियली गुड। अब देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं, बाहर घूमते हैं, बट आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, काफ़ी स्मूथ था स्पेशली कंपेयर टू कि सब कुछ फ्री था।
वी हैविंग पिज़्ज़ा क्योंकि भूख लग गई थी. बट क्या दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग. अब हम देखेंगे मे बी थोड़ा बहुत घूमेंगे घर वापस जाएंगे. बट क्या दैट्स इट फॉर टुडेज़ ब्लॉग. सब्सक्राइब टू द चैनल और कुछ भी क्वेश्चन हो तो सब पूछना है इन द कॉमेंट्स.